आप अगर बेंगलुरु की यात्रा फ्लाइट से करते हो तो यहाँ बने नए टर्मिनल 2 पर चलना अब आपको खास अनुभव देने वाला है। बेंगलुरु के कैंपे घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को करने वाले हैं। इस आलिशान टर्मिनल के निर्माण में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। जिस खूबसूरती से ये टर्मिनल तैयार किया गया है वो देखते ही बनता है। इस वीडियो में हम आपको टर्मिनल की खासियत के बारे में बताते हैं, जो जल्द ही देश में एक खास टर्मिनल की उपाधि हासिल करने वाला है। बेंगलुरु के इस नए टर्मिनल पर 17 सुरक्षा चेक इन लेन बनाए गए हैं। कुल टर्मिनल क्षेत्र 2,55,645 वर्ग मीटर होगा। इस एयरपोर्ट पर चलने पर आपको कभी बगीचे में चलने जैसा महसूस होगा तो कभी चांद सितारों के बीच होने का। पूरा टर्मिनल गोल्डन रंग से जगमग कर रहा है, इससे सितारों के चमकने जैसा एहसास होता है। टर्मिनल 2 को गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु के यादगार स्वरूप में डिजाइन किया गया है। हरियाली इतनी ज्यादा है कि यहाँ पहुँचने पर यात्रियों को किसी बगीचे में टहलने जैसा अनुभव मिलेगा। करीब 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की दीवार को हरी घास हैंगिंग गार्डन से सजाया गया है। इस गार्डन को भारत में ही स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से बनाया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहले से ही पूरे परिसर में अक्षय ऊर्जा का 100% इस्तेमाल हो रहा है। इस मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट की मिसाल दी जाती है। टर्मिनल 2 का संचालन भी अक्षय ऊर्जा से होगा। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल 2 के शुरू होने के बाद चेक इन और इमिग्रेशन काउंटरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट की यात्रा हैंडलिंग क्षमता मौजूदा 2.5 करोड़ से बढ़कर 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।